आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होता क्या है, पहले आप बड़े अच्छे से देखना बेटा, कि हमने जब एक फंक्शन ली थी, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तब जाके हमने इसको डिफरेंशिएट किया था, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट लिखा था उस समय अपने, तो आपने लिखा था इसको डिफरेंशिएट करने से डी वाई बाई डी एक्स, तो एफ ऑफ फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसको आप कभी कभार ऐसे भी लिखते थे एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसको आप बोलते थे, जो इसी को डिफरेंशिएट करते थे ना एक फंक्शन को, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसके बहुत सारे लिखने के तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लिखने के तरीके एक तो ये है डी वाई बाई डी एक्स, और कभी कभार आप लिख सकते हो ये जो y है ना इसको आप ऐसे लिख सकते हो y1, तो y1 जो डिनोट करता है, ये करता है डिनोट डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब इसको डिफरेंशिएशन करनी है विथ रेस्पेक्ट टू x, या कभी कभार आप ऐसे भी लिखते हो उसको y डैश, या कभी कभार आप लिखते हो f डैश ऑफ x, या आप कभी कभार लिखते हो f1। जब भी आपको ये सारे इंडिकेशन मिलेंगे ना, ये चाहे ये मिलेगा, तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मतलब आपको एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किए हैं एक बार, तो कभी कभार ये भी लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या आप कभी कभार ये भी लिख सकते हो डी वाई, डी वाई ऑपरेटर है, यूलर ने दिया था। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लिखने के तरीके, ये याद रखो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक फंक्शन है वाई, वो बराबर है साइन ऑफ एक्स, तो वाई वन अगर मैं बोलूं आपको वाई वन क्या होगा इसका, आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई वन आएगा इसका कॉस ऑफ एक्स। तो वाई वन सिंपली क्या करता है डिनोट, एक्चुअली सिंपली डिनोट करता है डी वाई बाई डी एक्स, तो कभी कभार इस वाई वन के बदले होगा यहां पर वाई डैश, कभी इस y डैश के बदले होगा ऐसे कुछ, क्योंकि y होता है ना f f ऑफ x, तो कभी कभार ये हो सकता है f डैश ऑफ x, तो कभी कभार ये भी हो सकता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। तो बहुत सारे तरीके हैं, ये सारे तरीके हैं इसको लिखने के। एक फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर लोगे तो उसको नोटेशन कैसे मिलेगी, या तो ये वाली नोटेशन, या तो ये वाली, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो इनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि एक फंक्शन को एक बार आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब क्या, हालांकि यहां पे क्या पढ़ना है आपको, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स मतलब हायर, एक से ज्यादा क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई फंक्शन लूंगा, पहले इसको पास कर लो, नोट डाउन कर लो बड़े अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक फंक्शन है, बड़े अच्छे से देखना बेटा, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फंक्शन ये है, मानो मैंने यही फंक्शन दी है वी गेट, तो इसकी तो आपको क्या मिला डी वाई बाई डी एक्स, किसके बराबर मिला आपको एफ डैश ऑफ एक्स मिला कि नहीं। इसका नाम रखो, आप रखो वन, यहां पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हालांकि ये फंक्शन, ये जो डी वाई बाई डी एक्स आपको इस फंक्शन को निकाला था ना डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो भी एक फंक्शन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा, वाई शुड बी इक्वल टू फॉर एग्जांपल कॉस ऑफ एक्स, है कि नहीं, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा बेटा, कॉस ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वो होती है शाबाश यहां पे लिखो नीचे डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स। इंडीड दिस साइन ऑफ एक्स इज ऑल्सो ए फंक्शन, तो आप यहां पे इसका नाम सेकंड रख सकते हो, यहां पे फर्स्ट रखो, तो यहां पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है, विद फर्स्ट को करना है, तो यहां पे आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन सेकंड, अगेन आप कर सकते हो क्योंकि ये भी फंक्शन आई ना, क्योंकि ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो आप बोल सकते हो अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो क्या मिलेगा आपको, आपको क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां से क्या किसको करनी है डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि आपको स्टैंड की है पहले डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन,
तो लिखा आपने, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। शाबाश, अब क्या बनेगा ये बनेगा डी बाई डी एक्स ऑफ सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका खास ख्याल रखना लिखने के तरीके, डी एक्स डी एक्स दैट मीन्स डी एक्स स्क्वायर डी डी दैट मीन्स डी स्क्वायर। अब सिंपली यही याद रखो, तो ये बना डी स्क्वायर वाई by dx square should be equivalent to minus as it is sine की difference क्या है cos of x। ये होता है इसका second order derivative, इसको आप बोलते हो second order derivative। हालांकि further ये फिर से function है, आप इसको third नाम रख सकते हो, third तो again difference कर सकते हो d by dx of d square y by dx square should be equivalent to minus as d by dx of cos of x, है कि नहीं। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा d cube y by dx cube should be equivalent to शाबाश minus as it is cos x की फिर से differentiation क्या है minus sin of x, this minus and minus plus, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो अपना माइनस, दूसरा यहां से आएगा माइनस sin x, तो प्लस बन जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हालांकि ये भी एक फंक्शन है, इसको आप फर्दर कर सकते हो, तो इसको बोलते हो आप द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग एनी फंक्शन अगेन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। वो आपको हायर एजुकेशन हायर मैथड से पढ़ना है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये क्या होती है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग ए फंक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हालांकि ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी इससे मिलता जुलता है, क्योंकि जितना आप इसको पहले ये फंक्शन थी, फिर आपको आपने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, पहले ये फंक्शन थी फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला फिर थर्ड, मतलब अगेन अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हो फंक्शन को, तो उसको बोलते हो आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आपको पढ़नी है आई थिंक फर्स्ट ईयर में, आपको हायर मैथमेटिक्स में है वो, कॉलेज के मैथमेटिक्स में है वो। बट आपको यहाँ पे एक टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, तो पहले ऑर्डर इसका क्या बोलते हो, इस वाले को, इसको आप बोलते हो बेटा यहाँ पे क्या, इसको इस वाले को अगर देखेंगे, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस वाले को इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन एंड अगेन करने से आपको मिलेगा फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अप टू फाइनाइट नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, ये हो गया है, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हालांकि इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आपको खाली सेकंड ऑर्डर तक जाना है, हालांकि इस 12th क्लास मैथमेटिक्स में आपको जाना है कहां तक, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो यहां पे नाम इसने लिखा है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, दैट मींस एक के बाद एक और करना है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के बाद दूसरा करना है, बस वहीं पे रुकना है। तो आपको थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है, फोर्थ निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो किसको आप बोलोगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को आपने ऐसे लिखा ना बेटा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या तो इसको कभी कभार ऐसे डिनोट करते हैं वाई टू या वाई डबल डैश, या यहां पे भी वाई टू स्क्वायर वो माना जाएगा, आप डबल डैश लिखा करो, या एफ डैश ऑफ एक्स, या डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एक्चुअली यही है, या आप लिख सकते हो ऑपरेटर में डी स्क्वायर वाई, ये ऑपरेटर कहलाता है डी डिफरेंशियल ऑपरेटर डी स्क्वायर वाई, या आप लिख सकते हो बेटा एफ, इसको पढ़ते हैं ऐसे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो या कभी कभार ऐसे लिख सकते हो एफ टू ऑफ एक्स, ये सारे डिनोट क्या करते हैं, ये सारे डिनोट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आपको इस वाले यूनिट में, इस 12th क्लास चैप्टर में आपको खाली जाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के, तो इसको एफ डबल डैश पे बोलते हैं। तो ये होता है क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, क्या होता है बेटा ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, ये नोटेशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के, नोटेशन है किसके, नोटेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखो बेटा, अब देखो
कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं एक एग्जांपल दूंगा, फिर हम एक्सरसाइज पे और एग्जांपल पे जाएंगे। इतना ही इसका कंसेप्ट है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का इतना ही कंसेप्ट है। फिर इसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो आपको देखना है। अब हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, बड़े अच्छे से देखना, बड़े कंसंट्रेशन के साथ देखना है इसको, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना किसी फंक्शन का। देखो आप सीखेंगे कैसे निकालते हैं इसका, आपको बिल्कुल वैसे ही निकालना जैसे मैं निकालूंगा, मतलब मैं जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स, इसका मैं नाम रखूंगा फर्स्ट, मुझे क्या निकालना है, फाइंड, यहां पे लिखूंगा मैं फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए जब आपको निकालना होगा उसके लिए लाजमी निकालना है आपको क्या, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान रखो कैसे निकालते हैं, तो इसका आप नाम रखोगे फर्स्ट, तो यहां पे लिखोगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी कैट। ध्यान रखना बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसका इसकी डिफरेंस y की क्या बनेगी, डी वाई बाई डी एक्स। शाबाश, यहां देखो यहां पे यू वी हो जाएगा, प्रोडक्ट फंक्शन है ना बेटा, तो क्या बनेगा यू वी, यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी क्या है साइन एफ एक्स, प्लस वी एज इट इज वी क्या है साइन ऑफ एक्स, एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यू क्या है यहां पे एक्स, यही है ना, विच इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वलेंट टू, ध्यान रखना बेटा ये इंपॉर्टेंट है, एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज एज नो कॉस ऑफ एक्स, प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स दैट इज वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहां पे वाई होता ना तो फिर वाई रखना था, तो अब देखो विच इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वलेंट टू एक्स साइन ऑफ, सॉरी साइन के बदले क्या है एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या निकालना है आपको, आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको इसका नाम रखना है सेकंड, तो फिर अगेन करनी है डिफरेंशिएशन, यहां पे लिखूं मैं यहां पे अगेन डिफरेंशिएशन, बट यहां पे ध्यान रखना है आपको जो अगेन डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो वो इसकी कर रहे हो आप, इस सेकंड की ना कि इसकी करनी है, इसकी फिर से बनेगी फिर यही, तो इसकी करनी है डिफरेंशिएशन, इस सेकंड को जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला ना आपको उसी की डिफरेंशिएशन अगेन करनी होती है, इसका बड़े अच्छे से ख्याल रखना। ये डिफरेंशिएशन इसी में यहां पे नाम लिखा है इसका सेकंड, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड, क्योंकि सेकंड जो भी है ना ये भी फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस प्लस फंक्शन, तो ये भी फंक्शन है, तो इसकी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, पॉसिबल होनी चाहिए तभी आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, क्यों क्या मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा डी बाई, शाबाश, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, सही है बेटा सही है ना यहां तक, हाँ इज इक्वल टू, यहां पे फिर से देखो आप ये जो फंक्शन है ना ये प्रोडक्ट फंक्शन है, फिर से यू इन टू वी, तो क्या बन जाएगा इसकी डिफरेंशिएशन, यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी इज कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज वी एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ यू, यू इज एक्स प्लस, अब प्लस में अलग है ना एक और फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स, यहां तक इसको समझ आया, सबको समझ आया बिल्कुल सही। अब जो ये है ना डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप लिखते हो कैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वलेंट टू, यही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा एक्स साइन का कॉस का क्या बनेगा माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है प्लस कॉस ऑफ एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज वन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन दैट इज कॉस, है कि नहीं, बड़े अच्छे से चेक कर लो। तो ये बनेगा डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस 2is cos of x, चेक कर लो cos of x plus cos of x is 2is cos of x। अब देखो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी सही है आपका, ये आंसर सही है आपका, क्या मैं इसको अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, तो ये बनेगा d square y by
डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वलन टू, ये माइनस वही पर रखो, एक्स साइन ऑफ एक्स क्या था, एक्स साइन ऑफ एक्स था वाई आपके पास, तो दैट मींस माइनस वाई प्लस टू वाई कॉस ऑफ एक्स, तो और आप ऐसे भी लिख सकते हो और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वलन टू, सॉरी ये जो माइनस क्वांटिटी है ना इसको यहां पे शिफ्ट कर लो, प्लस वाई बन जाएगा इज इक्वल टू टू आई कॉस ऑफ एक्स, या तो ऐसे लिख सकते हो और या तो ये या तो ये या तो ये, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तीनों में से कोई भी लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको निकालना था, आपको ये तो निकालना था ना आपको यहां पे, फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल करेंगे इस लेक्चर में, तो फिर एग्जाम्पल के बाद एक और लेक्चर में आएंगे हम, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, सॉरी इस टॉपिक के जो एक्सरसाइज है 5.7, तो वो हम देखेंगे इसके बाद। प्लीज़ बेटा इसको पास कर लो, बड़े अच्छे से समझो, जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा वहाँ पे पास करके रिवाइज कर लो, मतलब फिर से रिपीटली देखो इस वहाँ पे जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर मुझे लगता है आपको समझ आना चाहिए। अच्छा अब हम एक्सरसाइज भी जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नहीं पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे इस लेक्चर में, बड़े अच्छे से सीखेंगे क्या होता है, कहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं हमें। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, थोड़ा उस पर आपको फिर महारत बन जाएगी, थोड़ा एग्जाम्पल करने से आपको क्या कॉन्फिडेंस बन जाएगी कैसे निकालते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसीलिए इसने एग्जाम्पल वहाँ पर पोज की है। मैं एग्जाम्पल बेटा आप पे नहीं छोड़ता हूँ, मैं वो भी दिखाता हूँ, तो फिर आपको मुझे लग रहा है एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा दिमाग, आपको फौरन आनी चाहिए फिर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर 38, एग्जांपल नंबर 38 पेज नंबर 182 इज फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपको निकालना है। इफ वाई इज इक्वल टू, वाई क्या है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस टेन ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस टेन ऑफ एक्स, तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले क्या निकालना होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट, तो फिर क्या करते हैं शबाश, फिर हम लिखते हो डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट एक्स, वी गेट क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग, एक्स क्यूब प्लस टेन ऑफ एक्स, पहले इसको बोलते हैं स्टैंड करना, इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू, क्योंकि फंक्शन दो है एडिशन में, डिफरेंशिएशन एडिशन में अलग अलग जाती है, आपको पता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस जी ऑफ x, ये बन जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ g ऑफ x, ये आपको मैंने पहले ही दिन बोला था, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शन, द सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फर्स्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये आपको मैंने सिखाया था, तो यहां पे भी बिल्कुल वैसे ही होगा। अच्छा तो यहां पे क्या हो जाएगा इसके साथ, यहां पे बन जाएगा ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, बेटा डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता आपको आता है, बट पहले स्टैंड करनी होती है, एग्जामिनर को आना चाहिए समझ, तो इसको आती है डिफरेंशिएशन करनी tan ऑफ एक्स। अब क्या बनेगा शबा, यहां पे दिखता है डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी पहले मैं चेक करूंगा ये दिखता है आपको कि नहीं, हाँ ये दिखता है, बड़े अच्छे से दिखता है, देखो बेटा ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन मतलब x पावर n, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n क्या होती है, पावर फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर जो होता है वो कोएफिशिएंट में आता है, पावर डाउन x पावर n माइनस वन, दैट मीन्स पावर डाउन फिर अपना ये क्वांटिटी फिर पावर माइनस वन, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन होती है d बाई डी एक्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ x ये बन जाएगा वन, फिर हम इसलिए नहीं लिखते थे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, पावर फंक्शन है, यानी ये बनेगा 3x 3 माइनस 1 प्लस टेन की डिफरेंशिएशन क्या है,
शाबाश, tan की डिफरेंसिएशन होती है sec square of x, सही है। अच्छा, क्योंकि आपने निकाला अभी तक क्या, शाबाश, आपने अभी तक निकाला क्या, dy by dx should be equivalent to 3x square plus, ये जो sec square of x है ना, sec square of x, मैंने आपको सिखाया था, sin square of x का मतलब होता है sin x का whole square, सिखाया था मैंने आपको, सिखाया था, तो मैं इस यहां पे ऐसे लिखूंगा होल स्क्वायर। ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हो गया इसका, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका आप नाम रखा करो सेकंड, नाम रखो इसका सेकंड। चलो जी, अब देखो आपको क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो आप करोगे यहां पर अगेन, किसकी करोगे डिफरेंशिएशन अगेन, अगेन आप इसकी करोगे या इसकी करोगे, नहीं इसकी करनी होती है, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्योंकि ये भी फंक्शन बननी है ना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास आया वो भी फंक्शन है, तो क्या बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वलन टू, इसकी डिफरेंशिएशन थ्री बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था डी बाई डी एक्स ऑफ अल्फा टाइम्स एफ ऑफ एक्स, वेयर अल्फा ऑफ अल्फा इज कॉन्स्टेंट, तो ये बन जाता है अल्फा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैंने सिखाया था आपको, ये एक पॉइंट था वहां पे। अच्छा, इसीलिए ये थ्री बाहर आया, ठीक है, कॉन्स्टेंट बाहर आता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन में। अच्छा, इसके बाद क्या बनेगा, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स होल स्क्वायर, ये जो आप लिखते हो ना sec स्क्वायर ऑफ x, ये एक्चुअली होता क्या है sec ऑफ x होल, दैट मींस ये होल क्वांटिटी का स्क्वायर होता है। अब देखो क्या बनेगा डिफरेंशिएशन, d by dx ऑफ दिस थिंग, दैट वो बनेगा dy by dx स्क्वायर इज इक्वलन टू 3 एज इट इज, ये भी फिर से पावर फंक्शन है, पावर डाउन पावर माइनस 1 है कि नहीं, प्लस यहां पे भी ये पावर फंक्शन है, पहले आप कभी ये चेक नहीं करना, पहले इसको जब कुछ होगा ना पावर, ये नहीं करना कि पहले इसकी डिफरेंशिएशन, फिर इसकी पावर, यहां पे भी पावर फंक्शन है, क्योंकि समथिंग पावर, वो बनेगा टू आईस पावर डाउन पावर माइनस वन, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक ऑफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट बेटा, ये आपको समझ आना चाहिए, ये आपको समझ आया ये चीजें कैसे निकालते हैं, फिर आपको कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन में, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा चैप्टर जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो वहां पे एप्लीकेशंस करनी है, तो ये पहले क्लियर होनी चाहिए आपको, फिर उसके बाद पढ़ना है एक और चैप्टर हमें इंटीग्रेशन इंटेग्रल्स, वो इनवर्स होता है इसी का, दैट मीन्स जितना आपका डिफरेंशिएशन क्लियर होगा ना उतना आपका सारा कैलकुलस क्लियर हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, वेरी गुड। तो क्या बनेगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 3 टू 6 है ना मल्टीप्लाई में x पावर 1 खत्म, प्लस ट्वाइस sec ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x tan x, ध्यान रखना sec x tan ऑफ x, मैंने सिखाया था आपको ये, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x इज sec x tan ऑफ x, तो यह लास्ट में क्या बनने वाला है इसका, d स्क्वायर y बाई टी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 6x प्लस 2 sec x, दैट इज 2x sec स्क्वायर x, या होल भी रख सकते हो इसका, इनटू tan ऑफ x। अब चेक कर लो यही आंसर है कि नहीं, 6x प्लस 2x sec स्क्वायर x प्लस tan x, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ऐसे ही करना है आपको बेटा, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, इसमें स्टेप्स आपको नहीं खाने हैं, कुछ स्टेप्स आप खाते हो मतलब जिसे जैसे बुक वाले ने किया है एनसीईआरटी पे, इसने बहुत सारे स्टेप्स ना स्किप किए हैं, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट वो नहीं करना है आपको, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से भाई स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। चलो जी आगे चलते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 39 देखेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 39 इज इफ y इज इक्वल टू 39, इफ y इज इक्वल टू a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, प्रूव दैट, इसने करना है प्रूव, प्रूव दैट d स्क्वायर y प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू जीरो, ये हमने प्रूव करना है। कैसे करेंगे प्रूव? फॉर एग्जाम्पल दिस इज फर्स्ट, क्योंकि यहां से ही सारा कुछ लाना है ना हमें, तो मैं करूंगा यहां पे काम, ध्यान रखना बेटा, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट क्या मिलेगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर आएगा क्योंकि स्केलर मल्टीपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, सही है ना, क्वेश्चन में सही लिखा, हाँ, प्लस बी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स, तो विच इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू ए एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस ऑफ एक्स प्लस बी एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स, तो लास्ट में हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, हमें आएगा ए कॉस ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, बी साइन ऑफ एक्स, इसका नाम आप रखो सेकंड, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका यही है। आपको क्या निकालना है, क्योंकि आपको प्रूव करना है, प्रूव के लिए क्या निकालना है, पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम करेंगे यहां पे क्या, अगेन डिफरेंशिएशन फर्स्ट या सेकंड, किसकी करेंगे, सेकंड की, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा शबाश, हमको मिलेगा यहां से डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड से बेटा, लेफ्ट साइड से ये मिलेगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू ए एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ, इसकी मैं डिफरेंस कर रहा हूं साइन ऑफ एक्स, है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो क्या बनेगा ये, ये बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्विवेलेंट टू ए एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, दैट मींस माइनस एज इट इज बी एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस साइन इज कॉस ऑफ एक्स, तो ये क्या बनेगा एक्चुअली यहां पे, ये बनेगा दिस माइनस ए साइन ऑफ एक्स। अगर आप इसमें बड़े यहां पे ही छोड़ दो, मुझे अब ये प्रूव करना है, मैं लिखूंगा नाउ, मैं ये लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इसका, तो वो मुझे आना चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर, जीरो के बराबर, मैं लूंगा नाउ राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ, इसका नाम अगर रखोगे आप स्टार, ऑफ स्टार इज क्या बनेगा, वो बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, वाई क्या है आपके पास, वाई है ना, ये इसका वैल्यू रखना है, तो इज इक्वल टू वो किसके बराबर आएगा शबाश, यहां पे इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के बदले क्या लिखोगे, माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, वाई के बदले क्या है, अपना वैल्यू रखो ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स, अब देख लो this and this cancel, तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, therefore लिखोगे, therefore d स्क्वायर y by d x स्क्वायर plus y is equal to zero, hence proved, ये आपको प्रूव किया, क्योंकि निकला ना वो जीरो के बराबर, तो यही तो प्रूव करना था, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, इसको बड़े अच्छे से देखो, बड़े अच्छे से देखो इसको,
कैन आई रब दिस? ओके, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 40, एग्जाम्पल 40 इज एग्जाम्पल नंबर 40 इज इफ एग्जाम्पल नंबर 40 इफ y इज इक्वल टू 3e2x + 2e3x, यही है बेटा, प्रूव दैट d² y / dx² - 5dy/dx + 6y = 0, ये हमें प्रूव करना है, यही करना है प्रूव। हाँ, तो हमें सब मतलब ये प्रूव करने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर तो लाजमी होगा फिर हमारे पास, और y भी, फिर लास्ट में ये जीरो आना चाहिए, तो मैं इसका नाम रखूंगा फर्स्ट। चलो जी करते हैं डिफरेंशिएशन। ये जो प्रूव दैट वाले या शो दैट वाले क्वेश्चन होते ना इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, ये बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स का नाम ही पेशेंस है बेटा, पेशेंस रखने आपको बहुत वीक हेट, तो क्या मिलेगा आपको dy/dx मिलेगा आपको, शाबाश, 3 as it is d/dx(e)(2x) + 2 as it is d/dx, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लाई है ना, e^3x। अब देखो मैंने आपको सिखाया था, अगर आपको d/dx(e)x होता था तो आपको क्या करना होता है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनते हैं, e^x वापस इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन d/dx(x), तो वो 1 बन जाती थी, इसलिए मैं लिखता भी नहीं था, बट यहां पे लिखना है, यहां पे इंटरनल करनी है 2x को, तो क्या बनेगा वो dy/dx बनेगा क्या 3 as it is, इसकी क्या बनेगी वापस डिफरेंशिएशन ऑफ e^2x इज e^2x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x है ना प्लस 2 as it is e^3 की 3x की डिफरेंशिएशन वापस आएगी e^3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ शाबाश किसकी 3x की है ना सही। तो dy/dx क्या बनेगा, देखो इस 2x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 2, खाली इसकी बनेगी ना 2, 2x की डिफरेंशिएशन बनेगी 2, 2 × 3 = 6 e^2x प्लस देखो 2 तो अपना है और 3x की डिफरेंशिएशन क्या बनेगी 3, दैट मींस 3 × 2 = 6 e^3x। दिस इज, आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी, चलो ऐसे ही रखो, इसका नाम आप रखोगे सेकंड, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहाँ पे बड़े अच्छे से देखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए आपको, तो आप इसको क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएशन फर्स्ट को करोगे या सेकंड को, क्या इसको अगेन करोगे या इसको, सेकंड को करनी होती है, अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, क्या मिलेगा आपको शिवाश, क्या मिलेगा क्या मिलेगा आपको, मिलेगा d/dx (dy/dx) इज इक्वल टू 6 बाहर ही है, 6 d/dx (e^2x) है कि नहीं, प्लस 6 बाहर फिर से d/, आप यहां पे कॉमन भी ले सकते हैं इस 6 को, वो भी है ठीक e^3x शाबाश। तो यहां से ये क्या बनेगा, यहां से बनेगा ये d²y/dx² शुड बी इक्वल टू 6 as it is e^2x की डिफरेंस फिर से अगेन बनेगी e^2x इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन शाबाश 2x की फिर से प्लस
6 as it is e power 3x ki difference phir se again e power 3x into internal differentiation of 3x. तो क्या बनेगा फिर से, एक और स्टेप करेंगे इसमें इसकी क्या बनेगी डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर y by dx स्क्वायर should be equal to 6 as it is e power 2x as it is and difference of 2x is 2 plus 6 e power 3x as it is and difference of 3x is 3. तो इसी स्टेप को मैं फिर से लिखूंगा, एक्चुअली 2 6 दैट इज 12, तो मैं लिखूंगा अब यहां पे 12 एंड 3 6 दैट इज 18, मैं लिखूंगा यहां पे प्लस 18 ई पावर 3x. दिस इज फॉर एग्जांपल, ये आप ऐसे रखो, इसको आप ऐसे रखो बेटा, इसको आप ऐसे रखो. अब देखो, अब आपको ये प्रूव करना है. मैं लिखूंगा इसका LHS. LHS क्या होगा इसका, LHS क्या होगा, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर माइनस 6 5 सॉरी 5 dy बाय dx प्लस 6 y. LHS मैंने लिया ना, तो आना क्या चाहिए लास्ट में, जीरो आना चाहिए मुझे, देखूंगा मैं आएगा कि नहीं. चलिए इज इक्वल टू, एक्चुअली मुझे इज इक्वल टू यहां पे लिखना था, वो आएगा नहीं सारा. चलो देखते हैं आएगा कि नहीं, नहीं आएगा. d स्क्वायर y बाय dx वो कितना है 12 e पावर 3x प्लस 3 नहीं 2x 2x प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5 इनटू, अब देखो dy बाय dx के बदले क्या है 6 e पावर कितना 2x प्लस 6 e पावर 3x प्लस 6 टाइम्स y के बदले क्या है, y है 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x. यही है ना बेटा. अब इसको करने के लिए आपको ये यहां से एक और स्टेप आएगा, मुझे दिखेगा वो, हाँ वो दिखेगा, तो वो कर लो. वो बनेगा 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5 6 30 e पावर 2x माइनस फिर से 5 6 30 e पावर 3x प्लस 18 e पावर 2x प्लस 12 e पावर 3x. अब देखो दिस 12 e पावर 3x एंड दिस 18 e पावर 3x वो आएगा कितना 30 e पावर 2x. अरे बेटा इसको और इसको ऐड कर लो ना, e पावर 2x तो इसका कोएफिशिएंट 12 है, इसका पावर कोएफिशिएंट 30 है, 18 है, वो 30 आएगा प्लस 18 e पावर 3x एंड 12 e पावर 3x एंड फिर से 30 e पावर 3x. अब माइनस ये भी गया और ये भी गया, माइनस 30 e पावर 2x एंड माइनस 30 e पावर 3x. अब देखो ये दिख रहा है, हाँ दिस एंड दिस गोज इक्वल टू जीरो. हैनस प्रूव्ड. ये आपका क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. आप बिल्कुल इसको पास कर लो बेटा, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से लिख लो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है. अब इसके बाद जो आपका 41th क्वेश्चन है वो कर लेंगे. उसको करने से पहले आप इसको प्लीज वीडियो को पॉज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं. जो क्वेश्चन 40 है ना आपको, 41 बेटा, इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के. चलो मैं दो सारे तरीके दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7. इसी पे जो एक्सरसाइज है वो भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ क्वेश्चन भी इस लेक्चर में करेंगे, उसके दो तीन क्वेश्चन करेंगे पहले वाले. पहले जो इसमें 1 to 10 क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल एक ही तरीके पे हैं, तो पहले 5-6 क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में, तो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो इस एक्सरसाइज पे दो लेक्चर बनेंगे, वो लेक्चर नंबर जो होगा अकॉर्डिंगली वो आपको आएगा. अब क्वेश्चन नंबर 41, एग्जांपल 41, चलो एग्जाम्पल 41 ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दो तीन तरीके हैं इसके करने के, एक दो दिखाएंगे बाकी आप खुद करोगे. इफ y इज इक्वल टू
इफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. शो दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो आना चाहिए. पहला वो तरीका करेंगे जो इसने नहीं किया है, वो करेंगे पहले अपना वाला तरीका जो हमें आता है. मार्क दिस फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. वी हैव क्या बनेगा, वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स. शाबाश. तो विच इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है कि नहीं. अब इसको नाम रखो आप सेकंड, क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए. देखो मैं करूंगा अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. वी गेट अब यहां पे दो तरीके हैं इसको डिफरेंशिएट करने के, या तो u बाई v करोगे या मैंने आपको सिखाया था एक तरीका d बाई डी एक्स ऑफ वन बाई फंक्शन. उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती है, वन बाई फंक्शन. या तो आप u बाई v कर सकते हो, वो भी सही है. इस मार्क जिससे आप कंसिडर करोगे u या आप कंसिडर करोगे v. मैंने आपको ये भी तरीका दिखाया था d बाई डी एक्स ऑफ वन बाई फंक्शन, ये होता है कितना माइनस टाइम वन बाई फंक्शन स्क्वायर इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x. दिखाया था कि नहीं. अब मैं यही करूंगा, u by v आपको बिल्कुल आएगा, मैं यही करूंगा, ये वाला तरीका. तो क्या बनेगा इसका बनेगा d by dx of dy by लेफ्ट साइड से इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, वन बाई फंक्शन की क्या बनेगी, माइनस टाइम इज वन बाई फंक्शन स्क्वायर. वो क्या है, फंक्शन क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, फंक्शन यही है. इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, रूट ऑफ वन माइनस एक्स की, वन माइनस एक्स स्क्वायर की, ये होते हैं इसकी डिफरेंशिएशन. ओके इसको फर्दर कितना जाएगा, आप इसको इस क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ चीजें सीखोगे. देखो ये बनेगा यहां से क्या, यहां से बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दैट शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम इज वन बाई वन अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. और मैंने आपको यहां पे फिर से सिखाया था ये अंडर रूट ऑफ फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ फंक्शन, तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या बनती थी, आपको याद रखनी है ये बेटा, जितना आपको याद रख, या आप खुद भी कर सकते हो, ये एक्चुअली ये एफ पावर वन बाई टू है, पावर फंक्शन है, बट आपको ये याद रखना है ऐसे रूट ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन बनती है वन बाई ट्वाइस रूट ऑफ फंक्शन इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन फिर से एफ ऑफ एक्स की. तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, वन बाई ट्वाइस रूट ऑफ फंक्शन, सॉरी ये तो यह वाला कैंसल आउट हो जाएगा ना, इसमें स्क्वायर रूट नहीं है, इसमें अब स्क्वायर रूट नहीं है बेटा, इसमें अब स्क्वायर रूट नहीं है इस वाले में, क्योंकि स्क्वायर था ना, स्क्वायर रूट कैंसल. इंटू इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा फिर से, वन माइनस एक्स स्क्वायर की इंटरनल डिफरेंशिएशन, ये इंटरनल फंक्शन है, समझ आ रहा है ना, ये आपको ऐसे करना है, क्योंकि इसीलिए मैंने दिखाया था ये वाला तरीका इसको, क्योंकि आपको समझ आएगा कि इंटरनल कैसे चलता है डिफरेंशिएशन फिर. अच्छा इसके बाद वो बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम इज वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और टू भी है ना, इंटू टू भी है ना डिवाइड में, इंटू इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, वन की बनेगी जीरो माइनस टू एक्स स्क्वायर की क्या बनेगी टू एक्स, चेक कर लो. तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटू में है ना, तो दिस माइनस टू एंड टू गोज दिस माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस. तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा क्या, एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर.
यही है ना, ये है ना डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। हाँ अब देखो बेटा, अब देखो मैं मुझे क्या करना है, मुझे ये आना चाहिए। नाउ मैं लिखूंगा यहां पे नाउ। अब मुझे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखना है बेटा। वो क्या बनेगा शबाश? वो बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के बदले ये आप लिखोगे एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स के बदले क्या लिखोगे ये वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने एल एच लिया, मैंने ये लिया एक्चुअली वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये मुझे आना क्या आना चाहिए जीरो, तो मैं देखूंगा जीरो आएगा कि नहीं। इसका वैल्यू रखा मैंने यहाँ पे और एक्स एज इट इज एंड इसका वैल्यू आया कहाँ से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। अब देखो दिस एंड दिस गोज, तो बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, मैं रब करूँ यहाँ पे, तो बचा मेरे पास क्या ये, सॉरी ये कहाँ से आया, एक्स इंटू दिस डी वाई बाई डी एक्स आया था ना आपको यहाँ पे डी वन बाई, तो अब बचा एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। दिस एंड दिस गोज बिकम जीरो, हैंड्स रूट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका देखेंगे, जैसे इसने किया है वो भी करेंगे, इसमें वो वाला तरीका भी करेंगे। अब बड़े अच्छे से देख लेना, चलो क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन में यही रखूंगा। इसका दूसरा तरीका है करने का, दूसरा तरीका है इसका करने का, इसका इसके तीन तरीके हैं, दो इसने किए हैं एक मैंने किया है। अब मैं इसका वाला तरीका करूंगा, इसने क्या किया है, तो इसने फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किए हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, इसकी डिफरेंशिएट क्या बनेगी वन बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसने यहां पे यही किया है, इसने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, इज इक्वल टू वन, इसका नाम रखा इसने सेकंड। अब इसने इसकी डिफरेंशिएशन की है, डिफरेंशिएशन अगेन, हाँ अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू, ये वाला थोड़ा सा छोटा हो जाएगा एक्स वी गेट। तो शबा ये यू मानो और ये वी मानो बेटा, यू इंटू वी फंक्शन है और यहां से जीरो है, तो यू एज इट इज अब ऐसे कर देना वन माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यू वी, वी क्या है डी वाई बाई डी एक्स है ना, दिस इज वन फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, सॉरी दिस इज सेकंड फंक्शन, दैट मीन्स दिस इज यू एंड दिस इज वी प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी क्या है सॉरी यू क्या है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या बनेगी जीरो बनेगी कि नहीं। अब देखो शबाश ये क्या है वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सही है प्लस प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी रूट ऑफ फंक्शन की बनेगी वन बाई टू वाई रूट ऑफ फंक्शन इंटरनल डिफरेंशिएशन, इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी वन माइनस एक्स स्क्वायर की इज इक्वल टू जीरो लिखना जरूरी है क्योंकि राइट हैंड साइड से जीरो है। इंप्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस दिस टू सॉरी अभी 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 नहीं सर अभी नहीं डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अब इसकी इंटरनल डिफरेंस बनेगी इसकी जीरो बनेगी इसकी टू एक्स बनेगी बनेगी कि नहीं इसकी वन की जीरो एंड टू एक्स, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ये इंटू में है ना इसलिए मैं इंटू नहीं लिखता हूँ ये एक्चुअली ये इंटू जीरो से सारा इस चीज को जीरो बनेगा एंड दिस इंटू ये बनेगा इसलिए मैं ये नहीं लिखूंगा अब स्किप करूंगा इज इक्वल टू जीरो दिस माई टू एंड टू गोज ठीक है ओके आया क्या आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू में क्या है एक्स डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं
अगर मैं काम करूंगा मल्टीप्लाइंग, आप मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वी गेट एक्चुअली ये मल्टीप्लाई क्यों क्यों एक्चुअली आप इसको कर सकते हो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर वन है ना, कर सकते हो मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा होल और वो होल हो जाएगा डिनोमिनेटर, इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो बन जाएगा, इसलिए मैंने लिखा भी है। जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया मैंने, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपना था डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और प्लस एक्स नहीं माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स, अब ये माइनस बन जाएगा माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस, माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स एंड अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इंटू दिस दैट इज जीरो। अब देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर वो बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर दिस एंड दिस गोज एंड दिस क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी गोज, तो लास्ट में बचेगा हमें क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो भी आया माइनस एक्स डी एक्स बाई डी एक्स सॉरी डी वाई बाई डी एक्स वो भी आया इज इक्वल टू जीरो हैमस प्रूव, आप ये खुद कर लेना। अब तीसरा वाला तरीका इसने एनसीईआरटी पे किया है वो भी आप कर सकते हो, इसने वहां पे डी वाई बाई डी एक्स डिनोट किया है वाई वन से, मैंने आपको बोला था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो ना इसको आप वाई वन भी लिख सकते हो, वाई डैश भी लिख सकते हो, एफ डैश ऑफ वन भी लिख सकते हो, एफ वन भी लिख सकते हो, डी वाई भी लिख सकते हो, बहुत सारे नोटेशन है इसकी, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसके बाद एक्सरसाइज के दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंशाल्लाह। ये थी इसकी एग्जांपल्स, मैंने सारे एग्जांपल्स मैं दिखा चुका हूँ, ये आप बड़े अच्छे से देख लेना। अब एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 5.7 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए लिखा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मींस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है आपको। अब द फॉलोइंग फंक्शंस, इसने लिखा है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहां पे डी वाई बाई डी कैसे निकालेंगे, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, हाँ तो इसका नाम आप फर्स्ट रखोगे डिफ्रेंसिएशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x क्योंकि फंक्शन x में है, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई अलग अलग लिखूंगा मैं, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाहर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 बाहर आएगा, आई मीन्स डी सॉरी बाहर नहीं आएगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ऐसे सॉरी वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर फंक्शन दैट मीन्स 2x 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं दैट मीन्स 1 प्लस 3x की बनेगी 1 प्लस 0। अब इसका नाम रखोगे आप लास्ट में बनेगा क्या ये शाबाश डी वाई बाई डी एक्स बनेगा आपको क्या 2x प्लस 3 इसका नाम रखो आप सेकंड क्योंकि ये भी फंक्शन है, तो यहाँ पे लिखोगे अगेन डिफ्रेंसिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा आपको शाबाश यहां पर लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई ये आप पहले लिखा करो हाँ इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ यहां पे क्या आएगा 2 बाहर आएगा ना एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3 सही है, तो दिस बिकम्स d square y by dx square should be equivalent to 2 elders and differentiation of x is 1 plus differentiation of 3 is 0 that is which implies d square y by dx square should be equivalent to 2 this is second order derivative please pause the video to note it down। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेंगे, दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे इसके बाद क्वेश्चन एक और है
कैन आई रब दिस? या अब क्वेश्चन नंबर टू इसी एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर टू इज लेट वाई इज इक्वलेंट टू एक्स पावर 20। शाबाश, इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, ये बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट। बेटा मैथ्स में पेशेंस होनी चाहिए आपको बहुत, ये लिखने के खुद नहीं करना डी ओवर डी एक्स, आपको पहले लिखना होता है मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। बहुत सारे बच्चे ये नहीं लिखते, फिर आगे डायरेक्ट लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप कुछ नहीं बोलोगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये ऐसी बात है, आप यहाँ से निकलोगे श्रीनगर जाओगे तो कोई मकसद ही नहीं है श्रीनगर जाने का, तो ये कौन सी बात हुई है फजूल में जाना। तो अगर कुछ काम है आपको श्रीनगर जाने की तो दैट इज़ गुड। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है, फंक्शन इज वाई इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स एक्स पावर 20। आप डायरेक्ट लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स, ये कोई मकसद ही नहीं है, पहले आप बोलो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या करने जाऊँगा इस फंक्शन के साथ। तो वो इसीलिए इसको स्टैंड करना होता है पहले, ये बनेगा डी बाई, हर किसी चीज़ का मकसद होता है ना कुछ करने का, तो यहाँ पे भी एक मकसद होता है, पहले क्या करेंगे इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे। वो दूसरा क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएशन होता क्या, मैंने आपको वो लेक्चर में दिया है कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते आप। तो शाबाश, वो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू पावर फंक्शन है, दैट मीन्स पावर डाउन पावर माइनस 1 दैट इज 20 एक्स पावर 19, इसका नाम रखो सेकंड अगेन, क्योंकि आपको निकालना है इस पूरे एक्सरसाइज में आपको निकालना है डी स्क्वायर, मतलब पूरे नहीं पहले 10 क्वेश्चन में आपको यही निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए पहले निकालना जरूरी होता है, फिर यहाँ पे अगेन आप लिख सकते हो अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि लेफ्ट साइड से यही तो है आपके पास, ये इज इक्वल टू 20 बाहर आएगा क्योंकि स्केलर मल्टीपल है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 19। तो यहां से क्या बनेगा, ये यहां से बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20 एज इट इज, एंड यहां पे क्या बनेगा फिर से पावर फंक्शन 19 डाउन 19 माइनस 1। अब आई थिंक इसको आप 21th डेरिवेटिव निकाल सकते हो, 21th ऑर्डर डेरिवेटिव या 22th भी निकाल सकते हो, जीरो आएगा लास्ट में वो, तो वो बनेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड इक्वलन टू 20 इंटू 19 एक्स पावर 18 दैट शुड बी इक्वलन टू 20 19, आई थिंक 380, हाँ 380 डी एक्स स्क्वायर दैट इज 380 एक्स पावर 19 सॉरी 18, ये इसका सेकंड ऑर्डर डेराइवेटिव है, ये था इसका सेकंड ऑर्डर डेराइवेटिव। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री भी देखेंगे बेटा, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है इसका, 5.7 एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर थ्री इज बिल्कुल ऐसे मैंने क्वेश्चन दिखाया था, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स मार्क एज फर्स्ट एंड डिफरेंशिएशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, क्वेश्चन यही ना एक्स कॉस ऑफ एक्स, तो बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ये दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v that is cos of x, क्योंकि लेबनीज रूल करोगे ना बेटा इसमें, प्लस cos of x as it is and differentiation of x, तो that is dy by dx should be equivalent to x cos of x is minus sin of x, that means x sin of x minus बाहर, plus cos of x as it is and differentiation of x is 1,
लिखने की जरूरत नहीं है, मार्क है सेकंड। तो अगेन अगेन डिफरेंशिएशन सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स शुड बी इक्वल टू, यहां पे फिर से एक प्रोटू रूल, माइनस बाहर रखो इसको प्रोटू रूल करो, यू सॉरी माइनस बाहर रखो यू इंटू वी, तो यू यू एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वी साइन ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वी वी इज एक्स सॉरी एक्स सॉरी यू नहीं यू यू फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos of x, ये ना तो बनेगा क्या d by dx of d by dx क्या बनेगा d square y by dx square should be equal to minus f बाहर है x sin of x की क्या बनेगी x cos of x plus sin of x bracket close क्योंकि बाहर minus है plus cos of x की क्या बनेगी minus sin of x, तो वो क्या बनेगा implies डी स्क्वायर वाई बाई हम इम्प्लाइज लिखो डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दिस माइनस टाइम्स एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस टू आई साइन ऑफ एक्स, और इसको फिर से एक और तरीके से लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो क्या है माइनस वही पे एक्स कॉस ऑफ एक्स क्या था आपके पास माइनस वाई माइनस टू आई साइन ऑफ एक्स, तो इनको शिफ्ट कर लो और लिख सकते हो ऐसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस प्लस बनेगा ये भी शिफ्ट हो जाएगा प्लस टू आई साइन ऑफ एक्स बनेगा इज इक्वल टू जीरो, या आप ऐसे रख सकते हो आंसर या आप ऐसे रख सकते हो या ऐसे, अब इसको कैसे लिखा है बुक वाले ने आप ऐसे ही रखो 5.7 क्वेश्चन नंबर 3 एक्स कॉस ऑफ एक्स माइनस टू एक्स, इसने ऐसे ही रखा इसने ऐसे रखा इसने पीछे नहीं लिखा ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्योंकि आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। हाँ तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। इसके क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर आई थिंक कहाँ तक है क्वेश्चन नंबर 17 तक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आप पहले इसको समझो बड़े अच्छे से इसके कंसेप्ट को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है वो समझो पहले, फिर उस पर एक्सरसाइज पे क्वेश्चंस कर लो एग्जांपल कर लो, इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। थैंक यू वेरी मच।